आ रही है जब किसी टॉक शो में उनको देखता हूँ। अब तुम जवाब दो कोई, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। शुरू कर लीजिए, आपको बताऊं, क्योंकि मैं टॉक शो में जाने से पहले पूछती हूँ कि भाई टॉपिक क्या है, पार्टिसिपेंट्स कौन है, फिर पूरी उसकी हिस्ट्री देखती हूँ, जो भी हमारा टॉपिक होता है उसको उसको समझ के फिर मैं जाती हूँ। मैं मेहनत से जाऊँ, दूसरा आए बाएँ शाएँ कर दें, ऐसे ही करप्शन है, ये है वो है, ये यूँ है, ये है ये वो है, भाई दलील दो, तो मैं फिर इससे बेहतर है कि मैं जो इतनी मेहनत की है तो मैं उसको अपना इंजॉय करती हूँ, है ना। लेकिन कुछ लोगों की बात में दलील होती है। मैं कसम से पलंग पे नहीं होता, ये क्यों हंस रही है, ये हंस क्यों रही है, सुन तो नहीं, और ये मुस्कान सुन के ही तो हंसती हूँ, और बाकायदा हंस रही होती है, खुदा की कसम, कितना बड़ा तुरम खान हो, इनकी हंसी आया फेल है, वो फेल इसलिए आता वो अजीब सा होता है, मैं क्या हंसे जा रही, मजाक हर बात हंसी में डाल रही है, तो और बाकायदा हंसती है जोर जोर से। लेकिन कुछ लोगों की दलील जो होती है वो जाल से शुरू होती है, इसमें एक नहीं शुरू नहीं होती, वो खुद होते हैं और दलील देते हैं, बगैर नुक्ते की दलील दे रहे होते हैं। अच्छा, नुक्ता खुद नुक्ता लगे हुए खुद होते हैं, देते दलील भैया, ये यहाँ पे भी वही कर रही है जो वहाँ करती है। बाकायदा एंकर इनको कहता है शहला हंसे जा रही है, एंकर की बात तो आपको मालूम नहीं है, आप एक तो एक इतने चैनल्स हो गए माशाल्लाह, फिर ये है कि हर एक को करंट अफेयर्स ही करने, और उनकी बस इतनी तैयारी होती है जो उनको उनका रिसर्च ऑफिसर दे दे या उनके कान में हो, हिस्ट्री से वो भी ब्लैंक होते हैं, जहाँ जवाब दो बीच में शुरू हो जाते हैं, जहाँ जवाब दो बीच में शुरू हो जाते हैं, नाम बदल दूंगा, नाम सोचा हुआ आप लोगों ने क्या, छोड़ू 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 ऐसे छोड़ू। अच्छा ये सुना है, अच्छा एक मिनट सुना बाद में, पहले हम जाते हैं थर्ड एम्पायर के पास। जी जी, तुम साइकिल किराए पे लेके आते, टाइम देख के काम कर रहे हो, लेकिन जरूरी है ना भाई। अच्छा ये जरूरी है, थर्ड एम्पायर के पास जाते हैं, हमारे शो में ब्रेक नहीं लगता, ठीक, क्योंकि इतना ब्रेक लग गया है माशाल्लाह से चैनलों पे कि पाकिस्तान जाम होकर रह गया। अच्छा, मैं समझी चैनल स्पीड ब्रेकर्स की वजह से परेशान। हाँ, नहीं, उसकी वजह से नहीं है, लगाते हैं एक ब्रेक, वो जाम होता चला गया ना, ग्रीस डाल नहीं रहे, ब्रेक लगाए जा रहे हैं, हम थर्ड अंपायर के पास जाते हैं, ठीक है, है ना। मेरी एक दफा जेल हुई थी, क्या आपने जेल काटना, अपने दांतों से काटना शुरू कर दिया, ये काम तो चूहों का है, दांतों से काट। हम वापस आ चुके हैं थर्ड अंपायर से, और ग्राउंड में बैठी हमारे साथ शैला रजा साहिबा, और किसी तारुफ की मोहताज नहीं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बोलती हैं, आप जेल भी जा चुकी हैं, अल्लाह ने आपको जेल भी नसीब कराया है। ओहो शैला जी, नन्ही सी जान भी कितनी आफत है, जेल भी काटी आपने, मैंने भी एक दफ़ा काटी थी दांतों से, फिर बहुत मारा उन लोगों ने मुझे, लेकिन मेरा मतलब है आपको तो शुक्र गुजार होना चाहिए ना कि आपको उन्होंने जेल भेजा, वहाँ से एक मजबूत लीडर बन गया आप बाहर आए, इससे इख्तदार में और ये क्या सीखा वहाँ पे। मैं जो एक दफा जेल हुई थी, क्या आपने जेल काटना, अपने दांतों से काटना शुरू कर दिया, ये काम तो चूहों का है, दांतों से काट। अब बोलना हजरत, मनोज सो गया इनकी बारी पे। वो कह रही मैं तो आपसे शकील समझ के बात कर रही थी, ये तो आपने खुद बोला, लाउड बोली आप आस्ते आस्ते, आज मुझे तपा रही है, मैं सियासतदान नहीं हूँ। नहीं भाई देखिए, आप जब बोलेंगे, गोली मार से आपको पकड़ा था, गोली मार से मतलब आपको 20 दिन आप जेल में रही थी, नहीं ज्यादा रही थी, साढ़े चार महीने दिसंबर में 27th को अरेस्ट हुई थी, किस बात 90, ये मैं भी अभी तक तलाश में हूँ, पीछे से पूछे इनसे, ये जो आपके पीछे खड़े बैठे हुए हैं, इन्होंने क्या था, ये वजीर आजम थे उस वक्त जी,
क्या मतलब है? क्या भैंस चोरी का? हंसना बुरा लग गया था बोलना बोलना बहादुरी बुरी लगी। अच्छा वैसे जितनी माशाल्लाह बोल्ड आप अभी हैं, और तो आज से अगर हम 19 नहीं कितना 20 साल पीछे चले, 90 उस टाइम तो बहुत छोटी होंगी इतनी तो ठीक है रेस्ट अब अगर आएंगे बस हम तो ये पॉइंट बताना चाह रहे थे कि अंडर एज लोगों को भी नहीं पढ़ा, उनको भी पकड़ लेते फाइनल ईयर में पढ़ती थी। जी हाँ मैं कराची यूनिवर्सिटी में पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन में पूरे कराची की जो है मैं वो थी गर्ल्स वाइस प्रेसिडेंट, तो स्टूडेंट थी कराची यूनिवर्सिटी की, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन चला रही थी, बस यही सजा यही गलती थी मेरी इस बात में पकड़ लेते बिल्कुल क्या हो गया। अच्छा वैसे 92 में आप यूनिवर्सिटी में थी तो नहीं 90 अरे मैं बहुत बड़ी हूँ आप छोड़े उम्र आप नहीं लगाए मेरी एज जो है वो सिंध असेंबली की वेबसाइट पे मैंने दी हुई है, पता नहीं और MPAs ने नहीं दी है और मर्दों ने ज्यादा नहीं दी है। हाँ ये हजरात ने ज्यादा नहीं दी MPA हजरात ने तो खवातीन ने जो है खवातीन ने कम दी हुई है लेकिन मैंने उन्होंने स्ट्रे ऑर्डर लिया हुआ है ना उम्र पे अल्लाह ताला ने स्ट्रे ऑर्डर लिया हुआ सारे मर्दों अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी नेमत दी है कि हमें इतना वक्त दिया है तो उसमें परेशानी देख ले डिग्री ना मिल जाए कोई ख्याल करे डिग्री कौन सी डिग्री जाली डिग्री होती है वो हंसाते बहुत थे वो नाराज हो गए चले गए बस मर्जी अच्छा हर आदमी अपनी बारी पे हंसाता है ना भाई ये देखे ना हर आदमी अपनी बारी पे तो मतलब आप आजकल कौन हंसा रहे तो देखिए बहुत सारे लोग हंसा रहे होते हैं और कई के लोग तो बहुत हंसा रहे हैं जैसे पहले हम ट्रेन का सफर करते थे वो हमारे लिए मुश्किल भरा होता था लेकिन आज हम किसी को ट्रेन में चढ़ते हैं हम कहते हैं आपका ये सफर साथ साबित हो और आपको रफीक भी अच्छा मिले दुआ करते हैं उसके लिए। यार ये गहरी बातें करता हो बहुत लंबा होता है ना तो सबको मालूम है दुआ कबूल होनी नहीं है साथ साबित हो गई नहीं रफीक मिलेगा ही हजरत इसमें क्या था इसकी समझ में आ गया इसमें क्या था साथ साथ की बात हो रही है इसमें क्या हो गया समझ में आ गया बात तो सही है यार बात मेरी बढ़िया तू ज़हीन हो गया मेरे साथ रह के लेकिन हर शेर आबिद भी नहीं होता भाई होता है ना आबिद मतलब सोले अमल वाले नहीं होता आबिद भी शेर नहीं है शेर सिर्फ एक दफा दहाड़ता है हर वक्त पक 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 बकवास नहीं करता यार ये तो शेर की आवाज में आपने बत्तख की आवाज निकाल दी तो निकाल रहे ना मतलब गलत कर दिया आपने दबक होता है। अच्छा फिर उसके बाद आप दो तलबा के कत्ल के केस में अंदर चली गई दो तलबा नहीं थे वो कराची यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय थे और मुझे पता चला कि मैंने उन्हें कत्ल किया है जब मुझे केस और वो जिंदा घूम रहे थे नहीं हो चुके थे अफसोस की बात यह है कि उनका मर्डर हुआ था बेचारों का और लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि इसमें मेरा नाम होगा। अच्छा शहदा रजा साहब को पता था एक्टिंग का भी शौक था नहीं ये दो पीपल्स पार्टी में ऐसी खवातीन है जिनको मैं जानता हूँ तो आप शकील बात मैं आपको बताऊँ एक्टिंग का शौक सबको होता है हम तक आपका एक्सेस है कि आपने हमसे पूछ लिया वरना एक्टिंग का शौक सबको होता है और कुछ लोग इकरार किए बगैर सारी उम्र एक्टिंग वाह 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 लोगों को पता भी नहीं चलता कि एक्टिंग कर रहे हैं और वो कर रहे होते हैं तो तकरीबन सभी कर रहे हैं यार असल में यही मैं कह रही हूं और क्या कह रही हूं मैंने आपसे कह दिया तो आप लोग सच नहीं बोलते इसका मतलब एक्टिंग होती है वो हम तो भाई झूठ की कमाई खा रहे हैं मैं तो एक्टिंग का शौक बदल गई ना बारी नहीं आई सियासतदान नहीं टाइम ही नहीं क्यों नहीं आई एक्टिंग की तरफ टाइम नहीं अच्छी एक्ट्रेस बन सकती टाइम नहीं अच्छी और खूबसूरत खूबरू एक्ट्रेस बनती दोनों आप और शर्मिला फारूकी दोनों टाइम नहीं मिला क्या साइकिल किराए पे लाए थे नहीं जी मैं 20 साल की हुई थी मास्टर्स कर रही थी नवाज शरीफ साहब को रहम आ गया उन्होंने मुझे जेल भेज दिया आप मास्टर कर रही थी हेड मास्टर कर रहा था वो हेड मास्टर काबू में आया उसको मास्टर्स फाइनल मैंने जेल से ही किया और उसके बाद मेरी शादी हो गई तो मुझे टाइम ही नहीं मिला बेचारी औरतें डरती हैं घर जाएंगे शादी के बाद जो वलीमा होता है ना वो वलीमा नहीं होता मर्दों का जो शादी के बाद वलीमा नहीं होता वो टोटल होता है टोटल किसको कहते हैं कुल टोटल उर्दू में कहते हैं कुल कुल कायनात लिखा होता है टोटल यानी कुल
तो मर्दों की तो टोटल होती है, बाकी उनकी टोटल ही हो जाती है, वो टोटल हो जाते हैं तो कभी वैसे और तो कभी बंद में संवरने का लास्ट डे आखिरी दिन मुंह छिलवा के जाते। मेरी बीवी का आज तक कहती हर शादी में जाने से पहले मैं पार्लर जाऊंगी। आपका पार्लर भी था पहले? था, फिर खत्म हो गया। चले सारे काम किए मैंने। इसलिए था कि मेरी एक कोशिश थी कि इसको रन करेंगे, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता था, तो वो सही नहीं चल पा रहा था, तो फिर खत्म कर दिया। ये ऐसे ब्रेकिंग न्यूज़ थी ऐसे? नहीं, काफी मैंने तो ब्रेकिंग न्यूज शैला रजा का पॉलर, इसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोग आएंगे और कोई उसमें एक भी नहीं आया था उसमें, लेकिन मैंने कोशिश की थी कि एक बिजनेस हो जाए, और हम सब हम तीनों बहनों ने मिलके, और एक बहन मेरी शारजा में थी, दूसरे ये बताइए मैंने मुझे दिया भी था कुछ पता अच्छा, एक मिनट बात पूरी कर लूँ। दूसरे मेरे फादर की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं उनमें लग गई, तो हम तीनों में से कोई भी टाइम नहीं दे सका, तो फिर उसकी वजह से फिर मैंने उसको खत्म कर। हम ये बाद में भी आपसे पूछेंगे, अभी हम कहीं जा नहीं रहे हैं, हम सिर्फ मैं भी इसलिए कह रही हूँ कि मैं बार बार पहली दफा इसे शुरू करूंगी। थर्ड अंपायर के पास जाते वापस आएंगे तो पूछेंगे कि और भी खानदान में कौन कौन कहाँ कहाँ है। अच्छा, उनके लिए भी तो खैर ये तो खवातीन में एक है, अल्लाह ताला ने क्वालिटी दी है कि जेब पे इस तरह से छुरियां चलाती है, जेब पे भी नहीं पता लगता कि कब उसके दम उठ गया। एक बार फिर हम वापस आ गए और मजे मजे की बातें हो रही हैं। शैला रजा साहब हमारे साथ हैं। तुमने आज सलाम नहीं किया वापस आके, वरना तुम्हारे कई शो में देखा जैसे वापस अस्सलाम वालेकुम ऐसा लगता है किसी मजार पे हाजिरी देने पे हाजिरी देने आया है। लेकिन जिंदा पीर भी तो थे कुछ। मैं जिंदा मंगल हूँ या हो सकता है कुछ लोग जिंदा हूँ, लोग इंतजार में किस चीज के, अल्लाह इसको लंबी उम्र दे पूरा कर बदतमीज आदमी। हाँ, आप खेलेंगे आपके साथ खाली जगह पूर करें। अच्छा, आप चूंकि टीचर भी रही हैं और आपको अंदाजा होगा, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आप पूर कर पाएंगे। देखते हैं। फिल इन द डैश। खाली जगह पूर कर उर्दू में बुरा लग रहा था? यही तो ना, अपनी जबान को फरोग मत देना, तुम लोग जाहिलो मनुसो अंग्रेजों के पीछे भागो। मैंने बड़ा बड़ा अंग्रेज जाहिल देखे अमेरिका में गटर साफ करते हुए। नहीं, लेकिन बोल रहा है, लेकिन उसको भी सलाम करूं मैं? तो आप भी तो इंग्लिश बोल रहे हो। अच्छा, माफी चाहता हूं। आपने अंग्रेज कौन सी जबान का वर्ड? ये अंग्रेज से निकला है, फरंगी उर्दू में कहते हैं ना। आपने सीधा मेरे मुंह पे फरंगी कह दिया मुझे। मैंने कौन से मुंह से इसको बम मारा है? मेरी फरंगी कह रही है, अंग्रेज को फरंगी कहते हैं। ड्रोन मारा, ड्रोन नहीं, दो चार ड्रोन आ रहे हैं, लेकिन मैं मुंह बचा रहा हूँ, तो आते रह गुगलदान करते उसमें आ जाएंगे। देखें, एक बात बता रही हूँ, मेरा फोन तो बंद है, अगर इनका फोन ऑन है और इन्होंने कुछ आपकी मुखबरी की है, जब ही गिर सकता है, क्योंकि सिम कैच करेगा। ऐसा ही थोड़ी कि आपके बराबर में मासूम है और आप मर जाएंगे। मैं मासूम हूँ ना? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मासूम नहीं हूँ, क्या कह रही है? आप इनसे जलते हैं, आप चुपके से सिम पे खबर दे देते हैं, ड्रोन आ जाता है। देखा आपको, मैं इनसे जलता हूं। इतला देता है कोई जब भी ड्रोन आता है। बिल्कुल, ये मसाला है। बिल्कुल, आपको पता है ड्रोन सिम कैच करता है, वरना गिरता ही नहीं। पक्की बात है? पक्की बात है। और अब तो ऐसे ड्रोन आ गए के एक ही शख्स पे गिरेगा अगर वो चाहेंगे। पहले तो ये होता था कि घर पे गिरा और ये हुआ। ऐसे ऐसे नहीं, रियली मैं एक सीरियस बात, और आवाज भी देगा घर पे आकर, मतीन आ जा, मेरे को गिरना है। मतीन आया, बुम, मतीन को मार दिया। कैसा ड्रोन है? हो सकता है जय, लेकिन अभी जय है वो बहुत ही। और मतीन अगर बुरखे में घूम रहा हो, जरा नकाब उठाना, तो मतीन तो नहीं हो? नहीं, वो ड्रोन तो निकल गया। अभी सब्जी देखिए, अभी भी यही पता चला है कि एक सिम जो है आखिरी वो कैच हुई है। अच्छा, मतलब कहीं से इतना फरहम की गई है। करते हां, कभी आ जाए हमारा ये शो नहीं। लाहौर लाहौर है और कराची डैश है। लाहौर लाहौर है डैश कराची डैश है। लाहौर लाहौर डैश कराची डैश पढ़ लेते हैं क्या था? लाहौर लाहौर है कराची डैश है। कराची दिल है तो लाहौर लाहौर है, ये क्या बात है? लाहौर लाहौर है। आपका है? अच्छा, फिर इन द ब्लैंक्स डैश की सियासत का जवाब नहीं।
केपीके की सियासत का जवाब। अच्छा आप मजाक वाला करते, उसको आप सीरियस अच्छा भी कर सकती थी। मसलन अपनी पार्टी का किसी का नाम देखे। मैं क्यों कहती है, हमारी तो जॉइंट सियासत है, वहाँ की सबके अलग अलग। उनकी तो सब जवाब है बल्कि सवाल भी है। अच्छा वसीम अकरम ने डैश करके अच्छा काम किया, शादी कर मुसलमान किया लड़की को, शादी कर ली, एक नस्ल मुसलमान कर दी उसने। और अब ये तो पता नहीं कि उससे नस्ल आगे बढ़े या नहीं, लेकिन बहरहाल शादी करके नहीं, हमारे खिलाड़ी अच्छे हैं, बढ़ेगी। आज 7-8 से हमारे खिलाड़ी अच्छे हैं और बढ़ेगी नस्ल। हर इंसान डैश का मोहताज, वैसे ये फास्ट बॉलर है वो, स्विंग अच्छी कराते थे वो, आउट स्विंग। यार डैप पे चलाया तू, पूछ। नहीं नहीं आउट स्विंग अच्छी थी, इन स्विंग नहीं सर, आउट स्विंग इन स्विंग वाइड बॉल होता है ना आदमी। अच्छा ये वाइड बॉल क्यों होता है यार, गेंद तो असली वाइड होती है, फिर बोलते हैं वाइड बॉल। गलत है ये तो। ये आपका स्कूल कहाँ पे? वाइड होती है वो, कह रहा वाइड। आपका स्कूल कहाँ पे? मुझे मालूम नहीं आपका स्कूल कहाँ पे वही करना। यार ये मेरा डायरेक्टर मुझे उल्टी सीधी बातें सिखा रहा है, बदतमीज बदतमीज। मेरा है तुम्हारा है? हर इंसान डैश का मोहताज है, बिजली का। फटाफट जवाब दे रहे हो सर, क्या बात है, क्या बात है। शेख रशीद एक डैश सियासतदान, बतौले बास। शेख साहब मेरे फेवरेट हैं आप, जो भी आता ना शो में आपके बारे में कुछ ना कुछ बोल के जाता है, मैं आपको मौका देता हूँ एक दफा शो में आके ना आप सबके बारे में बोल के जाइए, वाट लगा दीजिए वाट। कितने दिनों बाद ही लगता है बतौले बाज। ये बचपन में सुनता था मैं, अरे बहुत बतौले बाज है भाई ये। अच्छा वैसे आप ये बतौला 12-13 साल बड़े हैं आपसे, ये बिहारियों का इजाद क्या, मैं इनसे बड़ा ही हूँ, बिहारियों का इजाद क्या वाला ये बतौला। अच्छा हाँ चलो, बिहारी लोग अरे अच्छा बहुत बतौलेबाजी कर रहे हैं आप, आप अपना बतौलेबाजी बंद कीजिए। अच्छा बिहारी में एक चीज देखिए, ये सियासत में बहुत बात करता है और इंगित आने में कहीं अब जाइएगा चबूतरे के पास बैठ के बात करेगा, वो अच्छा काम नहीं कर रहा देखिए जो है ना, हाँ गलत काम कर रहे हैं तो दूसरा दूसरी पार्टी का होता है, अरे सही तो कर रखा का, और लड़ पड़ते हैं जाइए बात कीजिए आपसे, सुबह फिर साइकिल लेकर खड़ा हुआ काम पर नहीं जाना का। मैंने कहा यार इनकी अच्छी मोहब्बत है, रात को लड़ते हैं सुबह फिर साइकिल लेकर खड़े, आइए बैठ जाइए काम पे चलना नहीं है, फिर रात को लड़ाई होती है। लेकिन ये जब भी तबादला ख्याल करते हैं बंद कमरे में करते हैं, और दो तरफा ताल्लुकात पर मबनी तबादला ख्याल, भाई तबादला ख्याल दो तरफा ताल्लुकात पर मबनी गुफ्तगू में ही होता है, इसमें क्या बात है। अल्लाह ने चाहा अगर तेरी जुबान पे छाले निकलेंगे, मेरे बारे में बुराइयां कर रहा है। पाकिस्तान के लोग बहुत डैश है, मजलूम ही सियासत में डैश बहुत है, बेवकूफ बेवकूफ। मीरा की इंग्लिश डैश है जबरदस्त। आप भी ऐसी बोलना चाहती हैं? मैं बोलना ही नहीं चाहती। नहीं अगर आप बोलने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं बोल पाएंगे ऐसे। डैश क्या लिख दिया? डैश पीना सेहत के लिए मुफीद है। गुस्सा दूसरे की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, आप गुस्सा वरना आप दूसरे को मारने का दिल करेगा ना आपका, हो सकता है अपने लिए भी सही हो, तो फिर भी तो फंसेंगे तो आप ही दोनों सूरतों में। अच्छा ताकत हो रहा फिर भी मैं ही पिटूंगा तो और सही। बात की दम है तेरे में नहीं है लेकिन बात में है। अच्छा एक सवाल आपसे हम कर रहे हैं लेकिन वो इनसे बनता है, लेकिन फिर भी हर बार डैश ने बहुत साथ दिया किस्मत ने। अच्छा बाकी किस्मत में बाकी किसी ने क्या बात, बाकी भी तो किस्मत से ही मिलते हैं। हम थर्ड अंपायर के पास जाएंगे, एक सवाल रख के सवाल का जवाब आने के बाद दीजिएगा, ताकि थोड़ा सा हम वजन पैदा करते हैं ना शो में के उस सवाल का क्या जवाब देंगे शेला रजा। कभी ऐसा बुरा वक्त आया हो आप पे और आपको लगा हो कि अब क्या होगा आपको, मुझे तो जैसे आपने कहा किस्मत के अलावा कोई साथ नहीं दिया आपको, तो उस वक्त आपने क्या सोचा था कि अब मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ, कभी ऐसा वक्त तो आया होगा ये बता। बहुत दफा आया तो हम पूछेंगे कि उस वक्त इन्होंने क्या फैसला किया था, या ये थर्ड अंपायर बता। गर्ल्स कॉलेज जो तो बाहर से बॉयज कॉलेज लगता है, लड़के बाहर खड़े होते हैं। हां इसकी तो बाकायदा ये कॉलेज के सामने इमली का ठेला लगा था।
जी वापस आ गए एक बार फिर, और जब भी ये फेंक रहे होते तो फेंक रहे होते हैं, फेंक नहीं रहा था, फेंक रहा था, फेंक रहे तो इंडिया वाली फेंक बोल रहा तू, अच्छा बाकी ये फिर को बोलते हैं फिर इंडिया में नहीं, लेकिन तो फेंक का तो मैंने वो सवाल में रह रहा है, लेकिन ये देखिए इन्होंने खुद बोला कि मैं फेंक रहा होता हूँ, ये बात तो तय हो गई, ये फेंक रहा होता हूँ, ये जो डायरेक्टर की औलाद बैठी हुई मेरे पास ये भी तो आप फेंक रहे हैं, ये भी का है उसकी, ये मेरे डायरेक्टर की दूसरी बीवी है जंगली, इस जंगल में एक उसने अंडा दिया इसको, इसको इसको कहो ना गोरीला, तो ये अंग्रेजों के पास निकल जाता है कि गोरी मंगवाइए शायद, हालांकि इसका नाम है गोरीला, लोग समझते पता नहीं मैं कोई उससे कोई फरमाइश कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कभी अंगुश बदंदा रह गई किसी बात से या शशुपाल मुख कलर, ये पूछ रहा था मैं अभी आप तक, कभी ऐसा आया हुआ आपको जैसे आपने कहा समंदर के बीच में हूँ और तैरना भी नहीं आता है और जरूरी भी है कि कोई हाथ पकड़ के मुझे पार लगा दे, उस वक्त क्या सोचा? चार पांच देखिए हर एक की जिंदगी में आता है या जरूरी भी है। जो पहला एक टाइम था वो हमारी कराची यूनिवर्सिटी में हम लोग कन्वेंशन करना चाह रहे थे, पीपल स्टूडेंट फेडरेशन, और सूरत हाल ये हुई थी, ये बात है 88 की, तो हम लोग पूरा सारा खर्चा कर चुके थे, सारी तैयारी कर चुके थे, 88 मार्शल लॉ के खिताम या बिफोर खिताम, 88 मार्शल लॉ के एंड हो चुका था या उससे पहले की बात, जियाउल हक हयात थे, तो हमारे जो प्रोग्राम था उसमें ये हुआ कि कराची यूनिवर्सिटी में फिर फौज भी आ गई, सब आ गया कि अगले दिन पता नहीं क्या हो, फिर बाद में पता चला कि उस दिन ब्लास्ट होना था और कराची यूनिवर्सिटी में, जी बिल्कुल, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को वहाँ पे आना था शहीद को, तो हम लोग का रात में हम बैठे काम कर रहे थे कि सुबह को हमारा प्रोग्राम होगा, तो उसमें मुझे कंपेयरिंग करनी थी, तो हम लोग से यही कहा जा रहा था कि कल बहुत मुश्किल दिन है, लेकिन हम सब लगे हुए थे, तो जब मैं वापस आ रही थी यूनिवर्सिटी से तो उस वक्त मुझे एक बड़ी मायूसी की कैफियत थी कि क्या हम इसी तरह स्ट्रगल करते रहेंगे, कभी भी कुछ नहीं हो सकेगा, हमारे यहाँ मार्शाल्लाह ही रहेगा, तो वो जो एक कैफियत थी उसमें मुझे बड़ी मायूसी हुई, और लेकिन घर आके फिर हम शुरू हो गए काम करने के, करीब कोई तकरीबन 4 बजे की बात होगी, तो मगरिब से थोड़ी देर पहले की बात है कि मेरे फादर आए, उन्होंने कहा ज़िया का जहाज क्रैश हो गया। आपकी बद्दुआ तुम थी, सभी कौम की थी और फनकारों की तो बहुत ही थी, तबाह कर दी इंडस्ट्री। उस टाइम हम लोगों का स्ट्रगल था, मतलब मेरा स्ट्रगल तो नहीं था, लेकिन 10 साल हो गए, 88 तो आप 88 में तो आप अच्छे खासे थे, 10 साल शो बिज़नेस में आते हुए, अब आप तोते तोते का फाल तोते से फाल निकलवाएंगे और आपकी किस्मत, तोता क्यों कहा आपने, ये तो नीला होता, ये हरा होता ना, हरा तोता, हरा तोता, ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेंगे इनके बारे में, ये तस्वीरें देखी आपने, अच्छा सीटियाँ बजाती हैं इससे कॉलेज के, कॉलेज में बहुत शैतानी करती होंगी ना, किसी भी लड़के को करके इधर पलट गई, मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती तो लड़कियों को छेड़ के इधर पलट जाती होंगी, तो ये देखें अच्छा गर्ल्स कॉलेज जो है तो बाहर से बॉयज कॉलेज लगता है, लड़के बाहर खड़े होते हैं, हाँ इसकी तो बाकायदा ये कॉलेज के सामने इमली का ठेला लगा था, और रोजाना पैसे ला के जमा कराता था मेरे पास, है ना, बोल दे कुछ गड़बड़ है, अजान ये तोता आपके ऑर्डर में है भाई, इंसान काबू में नहीं आ रहे, जानवर ही आ रहे हैं बेचारे, तो क्या जो काबू में आते परिंदा है, जानवर नहीं है, मैं देख रहा आप इनको अपने स्कूल का एड्रेस दे रहे हैं, जानदार चीज है उसको जानवर कहते हैं, चल यार पूछ पता तोते ने सही, आप बताइएगा तोता सही है कि नहीं, जवाब है ठीक है। अच्छा ये इसमें आया कि आप आपके दिल की बात है कि आपकी कहना चाह रही हैं कि हजरात में आकर आपको बहुत खुशी हुई मगर अब तक आपने कहा नहीं, ये अलग बात है, लेकिन आपके दिल की बात यही है, पढ़ लीजिएगा, अब ग्लासेस भी निकाल लीजिए, हाँ नहीं नहीं नजर आ रहा है, हजरात में आकर बहुत खुशी हुई, ये आप दिल से कहना चाह रही हैं, अब तक नहीं कहा वो अलग बात है, नहीं मैं खुशी खुशी आई थी अंदर, क्या बात, खुश है हजरत में, हाँ हाँ सही निकाला, बिल्कुल सही, अच्छा कौन से हजरत से ज्यादा खुश है, ये उनकी तस्वीरों पे जाने का पूछ, सच बात है, शकील भाई को भाई नहीं कहना, तीन बार और कह दे, बड़ा भाई, तीन बार और कह दे, इनकी आस खत्म हो जाएगी, शकील को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और मुझे अच्छा लगा कि जब शकील भी होंगे, आपको जानती भी हूँ और काफी दफा आपके साथ आर्ट्स काउंसिल वगैरह में मुलाकात भी हो चुकी है,
तो मुझे ये नहीं मालूम था कि आप भी होस्ट। अच्छा, दूसरा लिखा हुआ, सबसे अच्छी बात है बात सोच समझ के करती हैं और खाना बगैर सोचे समझे खाती हैं। कौन है? तोता है, तोता। खाना ही तो बहुत सोच समझ के खाती है। तो सारे काम सोच समझ के करती है ना? खाना मतलब पहला वाला हाफ सही है, सारे काम सोच समझ के करती है। मैं खाना बहुत सोच समझ के, वरना इस एज में मैंने अपने साथ की खवातीन ही। अब आपके साथ खेलेंगे रैपिड फायर, फटाफट जवाब देना है, ठीक है ना? आपने पहले बहुत अच्छे खाली जगह पूरी किया, बहुत बर्दस्ती की थी, बहुत बहुत ज्यादा। लोग समझते हैं शायद हम सिखा देते हैं, भाई हम सिखाते नहीं है, यही तो इम्तिहान। और इनको तो बिल्कुल भी नहीं सिखाए, इनको ये हमें सिखा के जा रही है। आखिर भी लेना है कौन से स्कूल में? नई रोशनी। अब रोशनी आँख आ रही है, नई रोशनी पुरानी आएगी नहीं अभी। बोले नई लैंटन, नई लैंटन स्कूल में। और कोई नाम रख लेंगे ना? और कोई नाम? चलिए रैपिड फायर खेल जल्दी। नहीं नहीं, वो रैपिड फायर। जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश? मैं पॉलिटिक्स करती रहूं। अच्छा, फिर एक सवाल आ गया, दो शख्स का भी हमने नाम दिया था, कौन सबसे ज्यादा खूबसूरत है, वीना मलिक रहमान मलिक? दोनों एक दूसरे की टक्कर के, मूंछों का फर्क है। मलिक के तो यहाँ तक बहुत याद आते हैं वो दिन जब मैं जेल में थी। खूबसूरती क्या है? खूबसूरती तो आपकी आंख में, आंख में। अच्छा। किसी को कोई खूबसूरत लगता है? नहीं, खूबसूरती की तो कोई डेफिनेशन नहीं है ना। आंख में देखने वाले की आंख में, देखने वाले की आंख में होती है। माँ की आंख में अपना बच्चा खूबसूरत होता है। एक बादशाह ने ऐलान कराया है कि मेरी बच्ची की शादी होने वाली, 100 शहजादे आए हुए हैं, तो इसमें से खूबसूरत चुनना मेरे लिए मुश्किल हो गया। तो एक काम कर रही थी, माइनियों की झाड़ू सफाई करती है, उसको बुला लिया अंदर। बोले माई, वो बड़ी मैली सी एक औरत थी, कहने बता इसमें से खूबसूरत कौन है? वो सबको देखते देखते गई बाहर के, अपना बच्चा उठा के ले, कहने से ज़्यादा खूबसूरत ये है। ये है माँ। एम कह रही, खूबसूरती की हर एक की अपनी डेफिनेशन है, तो हर आदमी की खूबसूरती का मैार अलग है। किसी को कोई खूबसूरत लगता है, किसी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या कहेंगे अपने मतलब चाहने वालों से, अपने मतलब जो जो आपको वोट देते हैं, जो आपको उठा के असेंबली में लाते हैं, उनके लिए क्या? मैं ये चाहती हूँ ख़ास तौर पर, क्योंकि आपने मुझे कहा कि जो लोग वोट देते हैं उठा के लाते हैं, तो ज़ाहिर है कि ख़वातीन की रिज़र्व सीट पे हूँ, और जिन्होंने हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर चुने हैं वो सिंध के अवाम हैं। मैं समझती हूँ कि सिंध जो है वो सूफियाओं की धरती है, और यहाँ पर लोग मज़हब को और मोहब्बत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और जो मोहब्बत करना जानते हैं वो बहादुर होते हैं। तो अपने आप को जो है ज़बान, मज़हब, फ़िरक़े और बरादरी की बुनियाद पे कभी तकसीम ना होने। क्या बिल्कुल सही बात है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। और बात भी बड़ी नरम गरम, खट्टी मीठी सी, और मज़ा आया, हर पहलू पे रोशनी डली, एक आध पहलू पे रह गई कोई बात पे, कुछ अंधेरा भी पहलू रह गया। हाँ, ऐसे भी लोड शेडिंग। और क्या, चल बोल ले अपना ट्यूबलाइट, बात कर ले। हमारा कोई प्रोग्राम आपसे मिस हो गया हो तो www.facebook/hazrat टाइप करके हमारा प्रोग्राम आप देख सकते हैं। और मेरी तरफ से इजाज़त दीजिए शकील भाई। बिल्कुल, मैं शैला रजा साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जुबानों की लड़ाइयाँ बंद हो जानी चाहिए। आप ये सोच लीजिए कि हम एक कलमा गो हैं, एक अल्लाह को मानने वाले, एक रसूल को मानने वाले हैं। अगर ये याद रह जाएगा ना, तो फिर ये जुबानों के झगड़े खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। एक दूसरे से रिश्ते कीजिए, एक दूसरे से रिश्तेदार बन जाइए, एक दूसरे के घरों की हिफाजत कीजिए। एक बात मैं और बोल दूँ जी, ज़रूरी नहीं है कि हम इसी बुनियाद पे कि ये कलमा गो है हमारा भाई। ये कलमे ने हमें सिखाया है कि ये कलमा गो भी नहीं है, तो जब हमें उस पर और ज़्यादा रहना। बिल्कुल सही बात है, हमारे नबी का ही फरमान है, मतलब एक आपके इर्द गिर्द अगर गैर मजहब भी, तो उनके साथ भी वही बर्ताव। बिल्कुल, उनके ज्यादा हकूक है, उनके ज्यादा हकूक है। देखिए कितनी अच्छी बात है, हमारा जो वाइंड अप हुआ, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, और अपने घर का ख्याल रखिए, पाकिस्तान का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू शहला, मेरी बहन।